एक समझदार दिव्य व्यक्ति की निशानी होती है कि वो हर व्यक्ति को उसके परम रूप में देखे। जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही दूसरे आपके साथ व्यवहार करते हैं। और जिस तरह आप इस व्यवहार को बदलेंगे, दूसरों का भी व्यवहार आपके साथ बदलने लगेगा। तो चलिए, आज के ध्यान में हम उन सबसे माफी मांगते हैं जिनके खिलाफ हमने किसी भी तरह का भेदभाव किया हो, और एक नए तरीके से जीने का संकल्प करते हैं जिसमें हम सबको उनके परम रूप में ही देखेंगे, ताकि सब हमें भी हमारे परम रूप में देख सकें। तो ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें, हाथों को गोद में रख लें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान आने दें। एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें शरीर में, और अब सांस को हमें मुंह से छोड़ना है, और मुंह से छोड़ते हुए शरीर को ढीला होने दें, सारी सांस बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसको रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग तक जाने दें और रोक लें, और सांस मुंह से छोड़ते हुए देखिए कि शरीर ढीला होता जा रहा है, सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस भरें और सांस को पूरे शरीर में बहने दें, हर कोने तक जाने दें, और अब सांस मुंह से छोड़ते हुए अपने कंधों को ढीला कर दें, अपने पैरों को ढीला कर दें, कमर को ढीला छोड़ दें, जबड़े को ढीला छोड़ दें, दांतों को भींचे नहीं, मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें। आसानी से सांस लेते जाइए और देखिए कि मेरी सांस कितनी गहरी होती जा रही है, शरीर के किस हिस्से तक सांस जा रही है, शरीर में किस तरह की गतिविधि हो रही है, किस तरह हवा मेरे चेहरे तक आ रही है, मुझ में से किस तरह की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ठंडी या गर्म। और देखिए कि हर सांस के साथ आपका मस्तिष्क शांत होता जा रहा है, आपके दिमाग से किसी भी तरह का धुआं कालापन छटे जा रहा है, और दिमाग प्रकाश से भरता जा रहा है, खुलता जा रहा है। याद करें कि किसने आपको भेदभाव करना सिखाया है। आमूमन तौर पर जो लोग सोचते हैं वो उसी को सच मान के अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं। तो क्या आपने भी उसी तरह से भेदभाव करना सीखा है? जानिए कि ये आपका असली रूप नहीं है, ये आपको सिखाया गया है। और जिस तरह से आपको सिखाया गया है, उसी तरीके से आप उससे मुक्त हो सकते हैं। हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो हम तक दोबारा किस तरह से आता है। कभी हम ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो किस तरह हमारे लिए अपने आप ही कोई रास्ता खुल जाता है, या किसी काम का हम बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हों वो अपने आप ही बन जाता है। उसी तरह हम ये भी नहीं अंदाज़ा लगाते कि जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं, तो उसका नतीजा भी हमारे जीवन में किसी तरह की रोक टोक, किसी तरह के भेदभाव, किसी तरह के नुकसान को ही लेकर आता है। अगर इससे मुक्त होना है तो पहले खुद से, खुद जो हम बुराई कर रहे हैं उससे मुक्त होना होगा। अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, और अब उन सारी बातों को भुला दीजिए कि आपको किसी ने नाम दिया है, आपकी क्या जाति है, आपका क्या रंग है, आपको लोग किस रिश्ते से पुकारते हैं। उन सब के परे भी आप कुछ हैं। वो क्या हैं,
फिर से पूछे अपने आप से, मैं कौन हूँ? उन सारे नामों के परे, सारे रिश्तों के परे, सारी जाति के परे, मैं कौन हूँ? क्या है मेरा वजूद? और उन सारी बातों को भी अगर आपसे छीन लिया जाए, तब भी आप खूबसूरत शक्ति हैं। क्या है वो शक्ति, और शरीर में किस जगह वो शक्ति स्थित है, जानिए। आप सिर्फ एक मिट्टी का पुतला नहीं है, आप सिर्फ मांसपेशियां और हड्डियां भी नहीं हैं। आपके अंदर चल रही चेतना एक परम रूप को दिखाती है। जिस तरह वो चेतना आपके अंदर जीवित है, उसी तरह और उसी मात्रा में वो इस समाज में, इस दुनिया में चल रहे हर शख्स में जीवित है। एक पल के लिए हर शख्स जिसके खिलाफ आपने किसी भी तौर पे किसी भी तरीके का भेदभाव रखा हो, उसको मिटा दें। एक पल के लिए भूल जाएं कि वो किस जाति के हैं, लड़का है या लड़की। हर इंसान को जब आप उनके परम रूप से जानेंगे, तो वो आपके साथ भी अपने सबसे बेहतरीन तरीके से पेश आएंगे, और आप उनकी खूबियां अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। कुछ पल इस स्थिति में रहें और कहिए कि दिव्य शक्ति मुझ में प्रवाहित हो, कि मैं सबका परम रूप आज से देख सकूं। इस जीवन में हर किसी की एक सही जगह बनी हुई है। अगर इस दुनिया में कोई चीज है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी इस सृष्टि को जरूरत है, वरना वो कब की विलुप्त हो जाती। इस बात को ध्यान करते हुए देखिए कि कितनी बार दूसरों ने भी आपके खिलाफ भेदभाव से परे हटकर आपको अवसर और मौके दिए हैं। प्रण करिए कि आज से आप हर किसी को उनके परम रूप में देखेंगे और उनके परम रूप में स्वीकार करेंगे। इतने से बदलाव से ही आपके जीवन में नए परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलने लग जाएंगे।